मैथ्स ट्रिक्स और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सर्च करें हमारा चैनल मैथ सीखो MATHSIKHO और साथ ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और उसके बगल में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह के सवाल को 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का ट्रिक जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों अगर एग्जाम में आपको एक्स का वैल्यू दे दिया हो और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछे या एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछे तो इस सवाल को हम लोग कैसे फास्ट कर सकते हैं। अगर जनरल मेथड से इस सवाल को करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए इसका ट्रिक क्या है हम लोग कैसे देखते हैं इसको। यदि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 1 हो तो उनके कॉन्जुगेट मतलब 1/x में सिर्फ चिन्ह बदलाव हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर इसमें क्या है, 7 है, तो अगर 7 का स्क्वायर क्या है वर्ग करेंगे तो 49, और 4√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर है 16 इंटू ये 3 हो जाएगा, दैट इज 48। तो 49 माइनस 48 करते हैं तो कितना आ जाता है 1। तो इन दोनों के वर्गों के बीच का अंतर क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, एक्स का कॉन्जुगेट मतलब 1/x कितना हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा मतलब 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। तो अब आंसर निकाल सकते हैं एक्स प्लस 1/x कितना हो जाएगा, तब एक्स का वैल्यू है 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 प्लस 1/x का वैल्यू है 7 माइनस 4√3। तो यहाँ -4√3 +4√3, 7 प्लस 7 14। तो काफ़ी आसान से ट्रिक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स यहाँ पे पहला नंबर क्या है, √3, तो अगर हम लोग √3 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 3, और दूसरा नंबर √2 का स्क्वायर करें तो आता है 2। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, मतलब दोनों के वर्गों के बीच का अंतर 1 है। इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे वो प्लस बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट में। तो एक्स प्लस 1/x कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2। इसका मतलब ये -√2 +√2 और यहाँ पे √3 प्लस √3 2√3 यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। तो काफ़ी इजी ट्रिक है ये। अगले सवाल में पहला नंबर 5 मतलब इसका स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 मतलब 24। तो 25 माइनस 24 कितना हो जाता है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। इसका मतलब 1/x कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 2√6। तो x प्लस 1/x कितना वैल्यू हो जाएगा, x प्लस 1/ मतलब यहाँ पे 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, तो यहाँ -2√6 +2√6 यहाँ पे होगा 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों नंबरों के स्क्वायर करें और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है तो ये जो है जो नंबर है जो संख्या है उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं इस ट्रिक से आप। तो दोस्तों ये था ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, और हमारे फेसबुक अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।